सत श्री अकाल जी सारयां नूं, तुसीं वेख रहे हो जिंदाबाद चैनल ते। उम्मीद करदे हां तुसीं ठीक ठाक होवोगे। एक नवीं वीडियो दे नाल तुहाडे सारयां दे रूबरू होए हां एक ऐसे विशे नूं लैके जिहड़ा विशा पंजाब दे विच या कह सकदे वी पंजाब दी किसानी नूं लैके काफ़ी सरगर्म रहिंदा। जद वी पंजाब दे विच इलैक्शन आउंदियां ने, इह विशा मुड़ तों खड़ा हो जांदा ते इलैक्शन होण तों बाद किते ना किते इह विशा रुल जांदा। विशा है जी पंजाब दी किसानी दा, या कह सकदे हां जी पंजाब दे विच खसखस दी खेती नूं लैके जो विचार विमर्श लोगों के किया जाता है। उस समय पहलों की गल करिए, जे जब अपने बजुर्ग साड़ी उम्र के होंगे, जो काम करते होंगे खेतों के या रोज़मर्रा की जिंदगी दे जो भी काम करते होंगे, तो उन्होंने एक कहना से जब भी वह फीम की वरतों करते होंगे, थोड़ी बहुत रोज़मर्रा नहीं, थोड़ी बहुत जब भी वरतों करते होंगे, तो उन्होंने काफ़ी जिहड़ियां बीमारियों तो राहत मिलती सी, उन्होंने शरीर तंदुरुस्त रहिंदे सी। इत्थों तक कि वह यह भी कहिंदे सी वी जिन्हां नूं अधरंग की शिकायत होंदी सी वी वह उस चीज़ की वरतों करन तों बाद कदे वी उन्होंने कोई प्रॉब्लम इदां दी नहीं आई। अफीम कह लिए, पोस्त कह लिए, खसखस की खेती कह लिए, या अंग्रेजी दे विच गल करिए तो पॉपी सीड, इस दी खेती पंजाब दे विच काफ़ी समय पहले तो बैन कर दी गई है, इलीगल कर दी गई है। पहले जब अपने बजुर्ग इस चीज़ की वरतों करते होंगे सके तो काफ़ी चंगे खसमुख रहिंदे होंगे, उन्होंने कहना सीगा काफ़ी बीमारियों तो दूर रहे ने। तो जब पंजाब दे विच इस चीज़ के उत्ते बैन लग गया, इलीगल हो गई, उस तो बाद उन्होंने कहना है कि पंजाब दे विच जिहड़े होर नशे ने, सिंथैटिक नशे ने, जिवें कि चिट्टा शीशियां हो गए या गोलियां, इदा के होर जिहड़े नशे ने, जिहड़े मारू नशे ने यूथ दे लई, वो किते ना किते पंजाब दा यूथ ज़्यादा कंज्यूम करन लग गया, ज़्यादा खाण पीण लग गया। हालांकि ये चीज़ बैन कर दी गई सी। ये चीज़ का विशा जिहड़ा मुद्दा है ना, ये पंजाब इलैक्शनां दे विच 2016 दी इलैक्शनां दे विच भी चक्या गया सीगा डॉक्टर धर्मवीर गांधी उन्हां वल्लों, जिन्होंने कह जिन्हां दा कहना सीगा कि जे पंजाब दी किसानी नूं बचाउणा, जे पंजाब दे यूथ नूं नशियां तों बचाउणा है, तो जिहड़े इहो जिहे नथे नशे ने, जिहड़े नैचुरल नशे ने, आपां नशा तां इहनूं कह नहीं सकदे वी, जिहड़े नैचुरल चीज़ां ने जिवें कि अफीम की खेती है, खसखस की खेती है, उहनूं पंजाब दे विच जिहड़ा आ लागू कर दिता जाए, ताकि जिहड़ा इत्थों दा यूथ है वह सिंथैटिक नशियां तों, मारू नशियां तों बच सके। कई हालांकि लोग इस चीज़ का विरोध भी करते रहे सीगे, कई पोलीटिकल पार्टियां भी इहनां दा विरोध करदियां सीगियां। उन्हां दा ही जे मैं गल करां, उन्हां दी इक इंटरव्यू दे विच जद इक पत्रकार ने धर्मवीर गांधी तो एक सवाल किया कि भी जे पंजाब दे विच अफीम की खेती, खसखस की खेती जे लीगल कर दी जाती है, तो पंजाब का जिहड़ा यूथ है वह नशियां वल होर वधूगा, धक्किया जाऊगा एक बार नशियां वल। तो उन्होंने एक बहुत सोहणे उदाहरण के नाल उन्हां नूं जवाब दिता सी, कहिंदे सीगे भी जिहड़े आपां बाहरली कंट्रियां की गल करिए, अब्रॉड कंट्रीज़ ने जिवें अमेरिका हो गया या होर कंट्रीज़ ने, उन्हां दे विच जिहड़ी वीड है, भंग है, वह इलीगल है। तो अपने पंजाब दे विच जे देखिए तो मैनूं लगता है हर एक मोड़ ते, हर एक नाके दे उत्ते वीड दा जिहड़ा भंग दा जिहड़ा बूटा उह खड़ा ही हुंदा है। तो पिंड दे विच जे गल करिए तो भंग पीण वाले बहुत थोड़े लोग हुंदे ने, 2 या 3। उवें ही जे एक जिहड़ी चीज़ हुंदी है, लोगों का जिहड़ा नज़रिया हुंदा है, लोगों की जिहड़ी मंग हुंदी है, जिहड़ी चीज़ आम विकदी है, उहदे वल नज़रिया उहनां दा घटन लग जांदा है। जे उहनां दा कहना सी वी जे पंजाब दे विच इह खसखस की खेती शुरू कर दित्ती जांदी है तो काफ़ी पंजाब की किसानी नूं लैके फायदे हो सकते हैं, पंजाब का यूथ बच सकता है, काफ़ी चीज़ां जिहड़ियां सी उन्होंने दसियां सी। हालांकि कई लोग इन्हां दे हक दे विच भी खड़े सी, कई इन्हां दा विरोध भी करदे सीगे। मैं दोस्तों थोड़े तो पुछना चाहूँगा कि थोड़े हिसाब नाल थोनों की लगता भी जे पंजाब दे विच खसखस की खेती शुरू कर दी जाती है तो पंजाब जिहड़ा है वह नशियां वल वधूगा या नशियां तो बचूगा। जब लोगों तो यह सवाल पूछा जाता तो कई लोगों का यह कहना सीगा कि जिहड़ा पंजाब दा यूथ है वह नशियां वल ऑलरेडी धक्किया होया तो होर धक्किया जाऊगा। हालांकि कई लोग जिहड़े खास करके जिहड़े किसान वीर सी जिन्हां दे सिर ते आपां लखां ऐसियां रोज़ खबरां पढ़ते हाँ, न्यूज़ देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं भी इस पिंड दे विच इन्ने किसानां ने फाहे लै ले, फाहे लैण दा कारण सिर्फ एक हुंदा वी उहनां दे सिर ते जिहड़ा पंजाब दी किसानी नूं लैके लोन चढ़िया हुंदा। किसान इस चीज़ का पक्ष पूरदे ने, कई किसान यूनियन इस चीज़ के हक दे विच खड़ियां ने। क्यों खड़ियां ने? क्योंकि उन्हां नूं पता है कितने ना कितने जे पंजाब दे विच इह चीज़ लीगल कर दित्ती जांदी है तो जिहड़ा पंजाब दा जिहड़ा किसानी दा दर है वह कितने ना कितने फिर बरकरार हो जूगा। पंजाब फिर तो आप कह सकते हैं भी एक सोने की चिड़ी जिहड़ी बन सकती है, जिहड़ा इकनोमिकल जिहड़ी स्टेज है पंजाब की वह सुधर सकती है। जे राजस्थान की गल करिए, जे अदर स्टेटां की गल करिए, अदर स्टेट जिवें कि राजस्थान की गल करिए, तो उत्थे जिहड़ी पोस्त की खेती है, खसखस की खेती है, वह लीगल है। लीगल इस तरह उत्थे जिहड़े खेत ने, उत्थे जिहड़े किसान ने, उन्हां नूं खेत दिते गए ने जिथे स्पैशल बकायदा बोर्ड लगे हुए ने कि इत्थे खसखस की खेती हुंदी है, तुसीं खसखस की खेती इत्थे कर सकदे हो, लीगल है उत्थे। तो उस चीज़ तो वह काफ़ी पैसा भी कमा रहे हैं। आपां खसखस अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी दे विच भी कदे कदे वरतदे हां, खाने हां, इस चीज़ के भी बहुत फायदे हुंदे ने। तो दोस्तों मैं थोड़ी राय जानना चाहुंदा हां, साडा चैनल चाहुंदा सी थोड़े तो पुछिए कि थोड़ी राय की है कि पंजाब दे विच
खसखस की खेती होनी चाहिए है या नहीं, तुसी सानू अपनी राय साढ़े कमेंट बॉक्सा दे विच लिख के दस सकते हो। अगली वीडियो के नाल जल्द ही हाजिर होवांगे। सत श्री अकाल।